नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने राज्य में सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करना भी शुरू कर दिया है। बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक संजय पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को गृह विभाग को किसी और को सौंपने के लिए कहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत सारे कामों से बोझिल हैं, उन्हें गृह विभाग किसी और को दे देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें ये मंत्रालय बीजेपी को सौंप देना चाहिए, कुछ अन्य जेडीयू नेता को पदभार संभालने दें। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी मांग कानून व्यवस्था के मुद्दे के कारण है, तो पासवान ने कहा, हाँ, कानून और व्यवस्था बिगड़ने के मामले पर प्रभावी तरीके से काम करने की जरूरत है। पिछले दो हफ्तों में राज्य में 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं। 6 विधायकों के बीजेपी में चले जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पासवान ने कहा, हमारे पास इस पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास गृह, सामान्य प्रशासन, सतर्कता और सामान्य प्रशासन विभागों का प्रभार है और अरुणाचल में जेडीयू विधायकों की टूट से बिहार में सियासत गरमाई हुई है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी में प्रवेश करा दिया गया है, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार है। पार्टी के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जेडीयू ने नाराजगी व्यक्त की है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम से गठबंधन धर्म आहत हुआ है, हालांकि इससे बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।